कक्षा 9 के विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपको कवि रहीम का जीवन परिचय, साहित्यिक सेवाएं, रचनाएं और भाषा शैली के विषय में बताया गया था। आज आपको रहीम के दोहे पढ़ाए जाएंगे और उनकी व्याख्या बताई जाएगी। रहीम का पहला दोहा, जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इस दोहे में कवि रहीम ने उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों के विषय में बताया है, उनकी विशेषता के विषय में बताया है। कवि रहीम कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति, कविवर रहीम कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, अच्छे स्वभाव और आचरण वाले व्यक्ति होते हैं, का करी सकत कुसंग, कुसंगति उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। जो अच्छे स्वभाव और आचरण वाले लोग होते हैं, बुरी संगति उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, उनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं डालती है। जैसे चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग, जैसे चंदन के वृक्ष में अनेक विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन के वृक्ष पर उनके विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चंदन अपनी शीतलता और सुगंध को नहीं छोड़ता है। तात्पर्य यह है कि जो उत्तम स्वभाव वाले सदाचारी व्यक्ति होते हैं, बुरी संगति का प्रभाव उनके ऊपर ना के बराबर पड़ता है। जिस तरह से चंदन के वृक्ष में अनेक जहरीले सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन उन जहरीले सर्पों के विष का प्रभाव चंदन के शीतल और सुगंधित वृक्ष पर नहीं पड़ता है। दूसरा दोहा, रहीमन प्रीति सराहिए मिले हो तरंग दून, रहीमन प्रीति सराहिए मिले हो तरंग दून, ज्यो जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून, ज्यो जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून, रहीमन प्रीति सराहिए मिले हो तरंग दून, ज्यो जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून। प्रस्तुत दोहे में कविवर रहीम कहते हैं, रहीमन प्रीति सराहिए, कविवर रहीम कहते हैं कि हमें ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए, हमें ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए, मिले हो तरंग दून, जिसमें प्रेमियों के मिलने पर प्रेम का रंग दो गुना हो जाता है, प्रेम का रंग दो गुना बढ़ जाता है।
जो जर्दी हरदी तजय। जर्दी माने पीलापन, हरदी हल्दी। जो जर्दी हरदी तजय, तजय माने त्याग देना, छोड़ देना। तजय सफेदी चून, सफेदी चून चूना। जिस तरह से जो जर्दी हरदी तजय, जिस तरह से हल्दी और चूने के मिलने पर हल्दी अपना पीलापन और चूना अपनी सफेदी को त्याग करके एक नया रंग लाल रंग का निर्माण करते हैं। पुनः देखते हैं। रही मन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून। कविवर रहीम कहते हैं कि हमें ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए, हमें ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिसमें प्रेमियों के मिलने पर प्रेम का रंग दो गुना हो जाता है। जैसे हल्दी और चूने के मिलने पर हल्दी अपना पीलापन और चूना अपनी सफेदी को छोड़कर एक नया रंग बनाते हैं, लाल रंग का निर्माण करते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रेम ऐसा होना चाहिए, उसका ऐसा प्रभाव होना चाहिए कि प्रेमी अपने अस्तित्व को भूल जाए। तीसरा दोहा, टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सौ बार। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सौ बार। रही मन फिर फिर पोइए, रही मन फिर फिर पोइए। टूटे मुक्ता हार, टूटे मुक्ता हार। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सौ बार। रही मन फिर फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम यह कह रहे हैं कि यदि कोई महान व्यक्ति, सज्जन पुरुष रूठता है तो उसे बार बार मना लेना चाहिए। कविवर रहीम कहते हैं, टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सौ बार। कविवर रहीम कहते हैं कि यदि कोई सज्जन व्यक्ति हमसे रुष्ट हो जाता है, नाराज हो जाता है, तो हमें उसे मना लेना चाहिए, जो टूटे सौ बार। यदि वह बार बार भी हमसे रुष्ट होता है, बार बार नाराज होता है, तो हमें बार बार प्रयत्न करके उसे मना लेना चाहिए। रही मन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। जैसे मोतियों की माला टूट जाने पर, जैसे मोतियों की माला टूट जाने पर बार बार उसे पिरो लिया जाता है, बार बार पुनः माला को बना लिया जाता है। पुनः देखते हैं एक बार। टूटे सुजन मनाइए, कविवर रहीम कहते हैं कि यदि कोई सज्जन व्यक्ति हमसे रूठ जाता है, नाराज हो जाता है, तो हमें उसे मना लेना चाहिए, जो टूटे सौ बार। यदि वह सैकड़ों बार भी हमसे रूठता है तो हमें सैकड़ों बार प्रयत्न करके उसे मना लेना चाहिए। जिस तरह से मोतियों की माला के टूट जाने पर बार बार प्रयत्न पूर्वक उसे पिरो लिया जाता है। अगला दोहा, रही मन असुआ नैन ढरी,
रही मन असुआ नैन ढरी जिय दुख प्रगट करे। रही मन असुआ नैन ढरी जिय दुख प्रगट करे। जाहि निकारो गेहते कस न भेद कही दे। जाहि निकारो गेहते कस न भेद कही दे। प्रस्तुत दोहे में कविवर रहीम या कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को घर से बाहर निकाल दिया जाता है वह अवश्य ही घर के रहस्यों को दूसरों के समक्ष उद्घाटित कर देता है। रही मन असुआ नैन ढरी जिय दुख प्रगट करे। कविवर रहीम कहते हैं कि आंखों से आंसू बाहर निकलकर मन की व्यथा को, मन के दुख को सबके सामने प्रकट कर देते हैं। कविवर रहीम कहते हैं कि आंखों से आंसू बाहर निकलकर मन की व्यथा को, हृदय के दुख को सबके सामने प्रकट कर देते हैं। जैसे जाहि निकारो गेहते कसन भेद कही दे। जिसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा वह भला घर के रहस्यों को, घर के भेदों को दूसरों के समक्ष क्यों नहीं बताएगा। वह अवश्य ही घर के भेद को दूसरे से कह देगा। एक बार पुनः इसकी व्याख्या देखते हैं। रही मन असुआ नैन ढरी जिय दुख प्रगट करे। कविवर रहीम कहते हैं कि आंखों से आंसू बाहर निकलकर मन की व्यथा को, हृदय के कष्ट को सबके सामने प्रकट कर देते हैं। जिस तरह से जिस व्यक्ति को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा वह भला घर के रहस्यों को, घर के भेदों को दूसरों के सामने क्यों प्रकट नहीं करेगा। वह तो अवश्य ही घर के भेद को दूसरे से बता ही देगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको इस पाठ में चार दोहा पढ़ाया गया और उसकी व्याख्या बताई गई। आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहिए। धन्यवाद।